हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा टीयर टू जो कि 8 अगस्त को होने वाला है। इस वीडियो में बात करेंगे हम कि बचे हुए 15 दिनों में हम अपनी प्रिपरेशन को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ आपको करनी है, क्या चीज़ स्किप करनी है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। और ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि पहली बार अपना मेंस लिख रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि जितने भी एफर्ट होने वाले हैं, मैं इन एफर्ट्स को दो कैटेगरी में बांटूंगा। कैटेगरी वन जिसको कि मैं डालूंगा 70% एफर्ट के अंदर, और कैटेगरी टू है जिसको मैं डालूंगा 30% एफर्ट। 70% की कैटेगरी में रिवीजन है। रिवीजन इज द की इन लास्ट टाइम्स ऑफ योर प्रिपरेशन। रिवीजन आपको सबसे ज़्यादा करना है। आप ज़्यादा मॉक्स नहीं दे सकते, क्योंकि मॉक्स देंगे आपके वही मॉक्स देते हैं तो होता क्या है कि हम अपनी कमियों को निकालते हैं, ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी इतने मॉक्स दे दिए होंगे, कमी हर मॉक में मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको मॉक में कमियाँ मिलनी बंद हो जाएंगी एक पॉइंट के बाद, कमी आपको हर मॉक में मिलेगी, लेकिन इस समय जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो है रिवीजन, ठीक है। तो 70% में मैंने रखा हुआ है रिवीजन को, और रिवीजन को मैंने फर्दर बांटा हुआ है तीन कैटेगरीज में जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कि रिवीजन के अंदर आपको फॉर्मूलाज जो है मैथ्स में वो रिवाइज करने हैं, प्लस रूल्स और वोकैब इंग्लिश की वो रिवाइज करनी है। और दूसरा जो पार्ट है, कैटेगरी है रिवीजन के अंदर ही, वो है आपने जो भी मॉक टेस्ट दिए हैं, अब तक जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं उन मॉक टेस्ट के जो आपने क्वेश्चंस कहीं नोट किए हुए हैं या फिर कहीं भी मॉक टेस्ट में सेव किए हुए हैं टेक्स्ट बुक पे या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे, वो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको रिवाइज करने हैं, वो क्वेश्चन आपको दोबारा लगाने हैं, वो वॉकैब आपको दोबारा रिवाइज करनी है जो कि आपने मॉक टेस्ट में सेव की हुई है। तो बात है थर्ड कैटेगरी पर रिवीजन के अंदर ही, वो है प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है कि आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या मैथ में और इंग्लिश में दोनों में, इंग्लिश के लिए तो आप MBA, आई एम श्योर आप MBA पढ़ रहे होंगे, यदि MBA नहीं पढ़ रहे आप तो लास्ट टाइम पे कई ट्यूटर्स हैं, जैसे मैंने जहाँ से क्लासेस ली थी रानी मैम से, तो रानी मैम से आप पढ़ सकते हैं। रानी मैम लास्ट टाइम पे क्या करती हैं कि मेंस के लिए यूट्यूब चैनल पे फ्री में अपना बैच लेके आती हैं जिसमें वो प्रैक्टिस कराती हैं लास्ट टाइम पे, तो या तो आप वो कर सकते हैं या फिर यदि आप MBA पढ़ रहे हैं तो वो भी बेस्ट ऑप्शन है एक। तो आपको करनी है लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस भी एक तरीके से रिवीजन में ही आता है, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन कर लिए हैं उनको आप फिर से कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश में तो प्रैक्टिस करनी है किसी ट्यूटर से, और मैथ्स में लगाने हैं आपको जो आपने लगाए हुए हैं ऑलरेडी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको फिर से लगाने हैं मैथमेटिक्स में। बात करें बाकी की 30% की, तो वो आपको देना है मॉक टेस्ट के एनालिसिस करने में और मॉक टेस्ट देने में। जो मॉक्स की नंबर हैं वो कम रखने हैं, क्योंकि आप मॉक्स देंगे तो सिर्फ मॉक्स देना नहीं होता, मॉक्स के साथ साथ आता है एनालिसिस। आपको प्रॉपर एनालिसिस नहीं करोगे तब तक मॉक्स कोई फ़ायदा है नहीं, तो आपको प्रॉपर एनालिसिस करोगे तो मैक्सिमम टाइम आप अपना रिवीजन में नहीं दे पाओगे। तो एक बार मैं फिर से समअप कर देता हूँ, आपको अपना एफर्ट दो कैटेगरीज में बांटने हैं, रिवीजन 70%, 30% मॉक्स प्लस एनालिसिस में। रिवीजन में भी मैंने तीन कैटेगरी सब कैटेगरी बताई आपके लिए। पहली सब कैटेगरी में है आपको फार्मूलेज और वोकैब प्लस रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, वो सारी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है, जो कि आई एम श्योर आपने कई बार करी होंगी लेकिन फिर भी आपको लास्ट टाइम पे भी करनी है, क्योंकि लास्ट टाइम पे हो सकता है कभी ना कुछ ऐसा छूट गया हो हमारे साथ हमसे जो लास्ट टाइम पे आके मिल जाए, तो आपको इसलिए ये काम जरूर कर रहा है, ठीक है। सेकंड मैंने बताया था रिवीजन के अंदर सब कैटेगरी, वो है मॉक टेस्ट के जो आपने सेव्ड किए हों क्वेश्चन, या फिर आपने अलग से कोई नोटबुक में या फिर कहीं लिखे हुए हों, तो उन क्वेश्चंस को आपको फिर से ट्राई करना है, फिर से प्रैक्टिस करना है, और क्वेश्चन इंग्लिश में वोकैब वो सब जो आपने मॉक टेस्ट में पहले फेस किया हुआ है जो आपसे हुआ नहीं था, वो सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरा जो रिवीजन के अंदर सब पॉइंट है वो जो कि है, आपको प्रैक्टिस करनी है मैथ्स की और इंग्लिश की जितना हो सके, प्रीवियस ईयर जो कि आपने पहले से किए होंगे वो सारे आपको फिर से लगाने हैं, ठीक है। और कोशिश करें कि अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं उनको थोड़ा कम टाइम दें, और जो वीक पॉइंट है, वीक टॉपिक्स हैं, उनको ज़्यादा टाइम दें लास्ट टाइम पे, डेफिनेटली उसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और जो 30% एफर्ट की कैटेगरी है उसके अंदर आता है मॉक्स देना और उसका एनालिसिस करना। उन दिनों की प्रिपरेशन में आपको डोंट्स, मतलब जो काम नहीं करने वो बताऊँगा। पहला पॉइंट मेरा ये है कि आपको किसी भी ट्यूटर की मैथमेटिक्स में शीट जो दी हुई है, भले ही आपने ऑफलाइन अपनी कोचिंग की हो, तो किसी भी ट्यूटर की जो शीट देते हैं सर, जो कि क्लासरूम में पढ़ाते हैं, उनको ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि आपको
प्रीवियस ईयर पे जितना हो सके वो फोकस करें, वो ही काम आएगा। मैंने मेंस दिया हुआ है 2020 का, तो आप उसमें देख सकते हैं कि मेरे भी जो मार्क्स आए हैं उनमें प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो डेफिनेटली आपको लास्ट टाइम पे प्रीवियस ईयर पे फोकस करना है, शीट्स पर ना जाकर। सो सेकंड पॉइंट हमारा आता है कि आपको जो मॉक्स हैं वो हार्ड मॉक्स आपको स्किप करने हैं। कई सारी वेबसाइट हैं जो कि हार्ड मॉक्स और इररिलेवेंट मॉक्स काफ़ी प्रोवाइड करती हैं। तो लास्ट टाइम पे हमारा जो गोल होना चाहिए मॉक्स का, रिवीजन का, सबका एक ही गोल होना चाहिए, वो है आपका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट हो, आपको लगे कि हाँ मैं पेपर फोड़ सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट करना है। तो लास्ट टाइम पे आपको हार्ड मॉक्स जो हैं वो नहीं देने, बिल्कुल भी नहीं देने। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि आपको रैंडम टाइम्स पर मॉक देना बंद करना होगा। अगर आप देते हैं दिन में कभी भी, जैसे आपका मन किया 12 बजे बैठ गए, आपका मन किया कि 10 बजे मॉक देने बैठ गए, तो वो आपको टाइमिंग्स अपनी मॉक देने की बंद करनी होगी। आपको क्या करना है कि जो जिस टाइम पर वहाँ एक्चुअल में एग्ज़ाम होता है मैथ्स का और इंग्लिश का, आप जब भी मैथ्स और इंग्लिश का मॉक दें तो उस टाइम पर ही दें जिस टाइम पर एक्चुअल में हमारा पेपर लगेगा, उस दिन जिस दिन हमारा एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम डेट से 2 दिन पहले आप ये कर सकते हैं कि आप अपना जो मॉक्स हैं वो अल्टरनेट डे ना करके एक ही दिन लगाएं दोनों, और ठीक उसी टाइमिंग पे लगाएं जिस टाइमिंग पे एक्चुअल मॉक्स होने वाले। इतना ही था इस वीडियो में, और यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप ज़रूर से चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, ऐसी ही वीडियोज़ मैं आता रहूँगा, और यदि कोई रिकमेंडेशन हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट में ज़रूर करें। दैट्स इट फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।